हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में वन वीक प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी का एक सप्ताह हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है, क्या महसूस होता है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का वन वीक चल रहा है। एक्चुअली में वन वीक प्रेगनेंसी होती क्या है, वो सारी बातें आज के वीडियो में करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रेगनेंसी वीक्स, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको प्रेगनेंसी वीक्स कैलकुलेट कर नहीं पाते या फिर वीक्स को वो मंथ में चेंज नहीं कर पाते हैं कि हम इतने हफ्ते के प्रेग्नेंट हैं लेकिन हम महीने में कैसे इसको काउंट करें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बेहद हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक भी प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में बैठ के फ़ैन ऑफ़ करके, और प्रेगनेंसी में तो आप जानते हैं वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इतनी मेहनत करना आप लोगों के लिए कि गर्मी है, फ़ैन भी ऑफ़ है, और उसके बाद हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं गर्मी में पसीने बैठ के, तो एक लाइक एटलीस्ट आपका बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बेहद मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें आपके लिए काम करने में भी मज़ा आता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा, बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। वन वीक प्रेगनेंसी क्या होती है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी वीक्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो आपका लास्ट टाइम जो पीरियड आया था, जिस भी डेट पे आया था, वो फर्स्ट डेट जो थी जिस दिन पे आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे, और उसके बाद आपने ट्राई किया प्रेग्नेंट होने के लिए, और इस मंथ जो डेट है आपकी पीरियड की उस पे पीरियड्स नहीं आए, मिस हो गए, आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब भी आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है वो डेट भी लिख करके रख लीजिए। जिस डेट पे आपके पीरियड्स मिस हुए हैं वो डेट, और जिस जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है डेट मिस होने के बाद वो डेट, इनको लिख करके रख लीजिएगा। जब आप टेस्ट करते हैं और आपको किट में 2 मैजिकल लाइन देखने को मिल जाती हैं, टेस्ट किट में 2 गुलाबी लाइन, तो इसका मतलब है कि यू आर प्रेग्नेंट। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करें, तो जो आपका लास्ट पीरियड आया था, पिछले महीने जो आया था उसकी जो फर्स्ट डेट थी, और इस बार जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मान लेते हैं हम कि आपने अपने पीरियड डेट मिस होने के 7 डेज बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, मतलब 7वें दिन किया है, तो इस हिसाब से जो प्रेगनेंसी वीक्स बनते हैं, हफ्ते में बात करें तो 4 हफ्ते होते हैं, 4 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप डेट मिस हो जाने के बाद अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 5 हफ्ते 2 दिन की होती है, अगर आप 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि जो आपकी लास्ट डेट थी जब आपका पीरियड आया था, अभी जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, इस दौरान जितने भी दिन आए हैं इनको कैलकुलेट कर लीजिए और वीक्स में चेंज कर लीजिए, तो उतने हफ्ते की आपकी प्रेगनेंसी होती है, और 4 हफ्ते को, और 4 हफ्ते का 1 महीना पूरा होता है। 4 हफ्ते हो जाए तो उसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी को 1 महीना कंप्लीट हो गया है। होप सो कि ये गणित आप इतनी समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूँगी कॉपी पेन लेकर के। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वन वीक प्रेगनेंसी की, कि वन वीक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो वन वीक प्रेगनेंसी एक्चुअली वो समय होता है जब ऑलरेडी आप पीरियड्स में होते हैं, जो आपका लास्ट पीरियड जिस महीने आया होता है, जब आप पीरियड्स में ऑलरेडी होते हैं वही वन वीक प्रेगनेंसी होती है। तो आप सोचेंगे कि जब हम ऑलरेडी पीरियड्स में होते हैं तो उसको प्रेगनेंसी में क्यों काउंट किया जाता है, वो प्रेगनेंसी में तो काउंट नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली वन वीक प्रेगनेंसी कुछ नहीं होती है, उस समय आप प्रेग्नेंट भी नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी आपके पीरियड्स का 1 वीक चल रहा होता है, शुरुआती 1 हफ्ता होता है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे ट्राई किया होता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और अगर आप बाई चांस प्रेग्नेंट हो जाते हैं, आपका सफल इम्प्लांटेशन हो जाता है उस समय पर, तो वो पीरियड का 1 वीक भी आपकी प्रेगनेंसी के 1 वीक में कैलकुलेट हो जाता है, वही 1 वीक कैलकुलेट होता है जो उस समय पीरियड्स का टाइम होता है। तो उस टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, उस टाइम पे आपकी बॉडी में ऑलरेडी पीरियड्स वाला प्रोसेस चल रहा होता है, उसके बाद एग फॉर्मेशन वाला प्रोसेस चलता है, फिर आपके अंदर ओवल्यूशन का प्रोसेस चलता है, ओवल्यूशन वाले सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तब आप रिलेशन रखते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, और फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चलता है। जब वो सफल हो जाता है प्रोसेस, और जब सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन आपका हो जाता है, तब आपकी डेट मिस हो जाती है, आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, और जब आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस में, पीरियड से लेकर के इम्प्लांटेशन सफल होने तक के इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 5 वीक्स का टाइम लग जाता है, जब तक कि आपको समझ में आता है कि यू आर प्रेग्नेंट, इतना समय लग जाता है, 5 हफ्ते तक का टाइम। लेकिन फर्स्ट वीक प्रेगनेंसी किसी को नहीं पता चलती है,
और एक्चुअली में ये कुछ होती भी नहीं है, ये सिर्फ आपके पीरियड्स का ही समय होता है जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते। लेकिन अगर आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो यही फर्स्ट वीक आपकी प्रेगनेंसी वीक्स में काउंट हो जाते हैं। तो होप्स कि अब आप समझ गए होंगे कि 1 वीक प्रेगनेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं। तो एक्चुअली ये आपके पीरियड्स का समय होता है और जो कि बाद में जा कर के आपके प्रेगनेंसी वीक्स में ही काउंट होता है। होप्स कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं एक खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।